इस समय आप मौजूद हैं मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता चौराहा पर। आप देख सकते हैं जहां एक और आगरा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो वहीं आगरा एमजी रोड को जोड़ने वाली ग्वालियर रोड आगरा की धड़कन कहलाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार इस हाईवे पर जल भराव होने के कारण, गंदा जल भराव होने के कारण लोगों को असावधानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रोड में गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे होने के कारण अक्सर यहाँ वाहन पलट जाते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। परंतु इस ग्वालियर हाईवे पर होकर शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी व नेतागण निकलते रहते हैं, परंतु कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जबकि मोदी जी और योगी जी का कहना ये है कि सड़कें गड्ढे मुक्त होंगी, क्या यही सड़कें गड्ढे मुक्त हैं? गाँव की तो बात करें, ग्वालियर हाईवे पर ही गड्ढे हो रहे हैं। तो आखिर कैसे बनेगा ये स्मार्ट सिटी, आइए जानते हैं लोगों से। जोग सिंह सक्सेना, आगरा।
आप अपना परिचय देते हुए, ये ग्वालियर हाईवे पर पानी भर रहा है, किन कारणों से भर रहा है? यहाँ पर पानी भर रहा है, नाले की व्यवस्था नहीं है, दफन नाले ही सड़क को बने हुए, आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई गाड़ी टूट जाती है, आई दिन पूरी सड़क जो है बेकार हो गई है पानी के कारण। सड़क बनाई लेकिन नाले की व्यवस्था नहीं की, आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। DM, SDM सबके लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, खड़ा हुआ है। और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट रोज हो रहा है, कोई ना कोई को हाथ टूट रहा है, को पैर टूट रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा ये बताओ, यहाँ एक ट्रैक्टर भी पलट गया है, यहाँ पर पूरी गिट्टी पलट गई है, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। बाइक सवार वाले गिर जाते होंगे? बाइक सवार वाले तो रोज एक दो गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, औरत भी गिर रही है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी करो। पुलिस वाले बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, क्या परेशानी आप लोगों की? ये पानी क्यों भर जाता है यहाँ पर? जी समर को पानी आ रहा है, जहाँ नाला नहीं है इसलिए पानी भर रहा है, ना पानी नाला बनाओ यहाँ पर आके, नहीं और वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, आप कोई देख नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कितना नरक हो रहा है यहाँ पर। अगर नाला बन जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा? कितने बुखार आ रहे हैं, गंदगी फैल रही है घर में, मक्खी मच्छर हो रहे हैं इस गंदगी की वजह से, कोई नहीं देख रहा आगे, रोज भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, क्या परेशानी आप लोगों की? यही परेशानी है, ज्यादा वोट मांगो तो आला जाते, समाधान छो नहीं रहा, जब नाला ना बनना पानी भर जाते, आए दिन दुर्घटना भी होती है क्या? तो किस प्रकार और क्या परेशानी रहती है? तो इसका समाधान कैसे होगा? इसका किसी, अच्छा वोट लेने आते तो क्या कहा गया था आपसे? मैम क्षेत्र के विकास में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूंगी कि पिछली सरकार में क्या हुआ ये आप सब लोगों ने देखा है, और इस सरकार में क्या हो रहा है ये भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तेज गति से क्षेत्र के विकास हो रहा है और लगातार काम चल रहे हैं। और मैंने देखा कि जो रोड, जो खरंजे 30 सालों से कभी नहीं बने, वो इस सरकार में बनते हैं, क्षेत्र की समस्या जल भराव की खत्म हो सके। यहाँ आपने देखा होगा रोहता पे भी पानी भरा है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोड पर जगह जगह गड्ढे हो गए, जबकि ये ग्वालियर हाईवे कहलाता है। इसकी पूरी चिंता है हम लोगों को और प्रशासन से इस बारे में बात भी की है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोड पर जो गड्ढे हुए हैं, गड्ढे तो पहले भी भरवा दिए गए थे और फिर भरवा दिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नाले की है, क्योंकि जो नाला यहाँ पे निकला था वहाँ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया और नाले बंद कर दिए गए। अब इसलिए प्रशासन के द्वारा हम लोग उस नालों को खुलवाएंगे और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कराएंगे।